परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं कृष्णा हर युग में बार बार अवतार लूंगा साधुओं की रक्षा करने के लिए, पापियों का संहार करने के लिए और धर्म को दोबारा स्थापित करने के लिए। महाभारत में अर्जुन से कई इस बात के पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जिसका राज शायद ही कोई जानता है, एक ऐसी भविष्यवाणी जो आज हमारी आंखों के सामने सच होती नजर आ रही है। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां मर्यादा और धर्म की ताकत कम हो रही है और अधर्म, हिंसा, दुख का असर इस पृथ्वी पर पड़ते जा रहा है। लेकिन जल्द ही एक ऐसा समय आएगा जब धरती अंदर से फटने लगेगी, आसमान से तेजाब बरसेगा और मानव अपना राक्षसी रूप दिखाएगा और तब एक दिव्य योद्धा प्रकट होगा, सफेद घोड़े पर सवार, आग से लिपटी तलवार लिए, जिसका उद्देश्य होगा इस अंधेरे का अंत करना, इस दुनिया का अंत करना। ये कहानी है भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार की। ये कहानी है कल्कि अवतार की। कलयुग समय चक्र के 4 युगों का आखिरी युग, घोर अंधकार और विनाश से भरा हुआ एक ऐसा समय जहां सत्य की आवाज को धोखाधड़ी से दबा दिया जाता है और पाप इतना बढ़ जाता है कि धर्म और अच्छाई का नामो निशान नहीं बचता। क्रूरता, लालच और हिंसा जैसी चीजों ने इंसान को अंदर से काला और खोखला कर दिया होता है। सतयुग, त्रेतयुग और द्वापर युग के बाद आज हम इसी कलयुग में जी रहे हैं। शास्त्रों की माने तो कलयुग की उम्र 4,32,000 साल है, जिसमें से 5,000 से ज़्यादा साल बीत चुके हैं। और ऐसा माना जाता है कि कलयुग के पहले 10,000 साल गोल्डन पीरियड है, जहां अच्छाई और उम्मीद की हल्की किरण अब भी बची है, जहां अब भी देवताओं को पूजा जाता है और धर्म का पालन किया जाता है। लेकिन 10,000 सालों के बीतने के बाद एक ऐसा समय आएगा जब इंसानियत का घिनौना चेहरा सबके सामने आ जाएगा। एक ऐसा समाज बनेगा जहाँ कोई हमदर्दी, कोई एकता नहीं बचेगी, जहाँ पाप का बोलबाला होगा और अच्छाई का विनाश कर दिया जाएगा। इंसान इतना ज़्यादा भ्रष्ट हो जाएगा कि अपने किसी सगे का भी भरोसा नहीं करेगा, वो अपनों से ही धोखा करता जाएगा। हिंसा और लालच सब कुछ खत्म कर देगी, जिसके बाद पूरी दुनिया विनाश की कगार पर आ खड़ी होगी। लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं होगा, सारी नदियाँ सूख जाएंगी, आसमान में अंधकार छा जाएगा और तेजाब की बारिश होगी, धरती सूख कर अंदर से फटने लगेगी, क्योंकि कली नाम का एक खतरनाक और ताकतवर असुर जो क्रूरता, हिंसा और लालच का प्रतीक है, वो अपने चरम सीमा पर होगा। अंधकार से भरा हुआ उसका काला रंग, उसकी चमड़ी जैसे खुरीदी हुई, मुंह से निकलते हुए बड़े बड़े दांत और लालच से भरी हुई ज्वाला जैसी लाल जीभ, आग जैसी चमकती हुई उसकी आंखें और उसके शरीर से आती हुई भयानक बदबू, इस सब से कली एक ऐसा असुर है जिसे देखकर ही इंसान के मन में डर भर जाएगा। कली का निर्माण ही अधर्म, क्रोध और लालच से हुआ है। कली भय, मृत्यु और यातना पर कब्जा कर सकता है। लेकिन कली सिर्फ एक असुर नहीं बल्कि कलयुग का प्रतीक है। कलयुग को उसी के नाम से जाना जाता है। कली का असर इतना गहरा होगा कि चारों ओर विनाश का माहौल होगा, हर जगह चोरी, चकारी, लड़ाइयाँ, खून खराबा होगा। ये दुनिया अपने आप को पूरी तरह तबाह करने के कगार पर पहुंच जाएगी। और जब ऐसा होगा तब विष्णु जी अपना 10वां अवतार लेंगे और कल्कि के रूप में इस धरती पर जन्म लेंगे। वो देवदत्त नाम का एक सफ़ेद घोड़े पर सवार, सूर्य की किरणों जैसी चमक, हाथ में एक उज्जवल तलवार होगी और उनके शरीर से उभरता हुआ एक तेज होगा। उनकी गहरी आंखें होगी जिनमें ऐसी दृष्टि होगी जो किसी के भी दिल में झांक कर उनके अंदर की सच्चाई को देख लेगी। उनका चेहरा साक्षी होगा उनके दृढ़ संकल्प का और उनका शरीर एक महान योद्धा जैसा होगा जो उनके बल और साहस का प्रतीक होगा। ऐसा माना जाता है कि कल्कि अवतार की मदद करने के लिए 7 चिरंजीवी आएंगे जो सदियों से अपना कर्म पूरा करने के लिए और कल्कि अवतार से मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। हनुमान, वेदव्यास, परशुराम, राजा बाली, अश्वत्थामा, विभीषण और गुरु कृपाचार्य। कलि के मरते ही कलयुग का चक्र पूरा होगा, समय का नया चक्र शुरू होगा। कल्कि अवतार एक नए सतयुग की स्थापना करेंगे। दुनिया भर की सभ्यताओं, धर्मों,
और साइंस की दुनिया में एक सोच कॉमन है कि एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हर धर्म के पास अपनी एक अंत की कहानी है, एक प्रकार की भविष्यवाणी जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं। क्रिश्चियनिटी में आर्मागेडन, अपोकलिप्स, जजमेंट डे जैसी प्रोफेसिस है, वही इस्लाम में कयामत का दिन, जुडाइज्म में एंड ऑफ डेज, और साइंस की माने तो उनकी भी अपनी थियोरीज हैं, जैसे सूरज का ख़त्म हो जाना, एस्ट्रॉइड का अर्थ को हिट करना, न्यूक्लियर वॉर्स, करप्शन, क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक या फिर AI जैसी टेक्नोलॉजीज। लेकिन इन सारी कहानियों में एक चीज़ कॉमन है कि जब जब दुनिया में अधर्म बढ़ेगा, दुनिया अपने अंत की ओर चलती जाएगी। ऐसा माना जाता है कि जयपुर के कल्कि मंदिर में बनी उनके घोड़े देवदत्त की मूर्ति धीरे धीरे जिंदा हो रही है। मंदिर बनवाते समय किसी तरह से इस मूर्ति के आगे वाले बाएं पैर पर एक घाव का निशान बन गया था। वो निशान कब और कैसे पड़ा ये कोई नहीं जानता था, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद उस घाव को नहीं भरा गया, जिस वजह से उसे वैसे ही छोड़ दिया गया। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि समय के चलते वो घाव अपने आप भरता जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि देवदत्त धीरे धीरे जिंदा हो रहा है अपने स्वामी कल्कि के इंतज़ार में। जिस दिन वो घाव पूरी तरह भर जाएगा, उस दिन देवदत्त जिंदा हो जाएगा, और वही दिन होगा जब कल्कि अवतार का जन्म होगा।